हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के गांव भिवानी खेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली और कहा कि फसलों के अलावा घरेलू नुकसान की भी भरपाई होगी। कुरुक्षेत्र जिले में 15,000 एकड़ में फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरस्वती पर कब्जा करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें कि आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के गांव भिवानी खेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि फसलों के अलावा घरेलू नुकसान की भी भरपाई होगी। कुरुक्षेत्र जिले में 15,000 एकड़ में फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरस्वती पर कब्जा करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, विधायक रामकरण काला, सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, उपायुक्त, पुलिस कप्तान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में 15,000 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ लोग अभी बासमती लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन करके जिन लोगों की फसल का नुकसान हुआ है उन्हें 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1-8 दिन में फसलों के नुकसान के अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान, मकान टूटना, फैक्ट्री दुकान का सामान खराब होना व पशु मरने वाले नुकसान का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। वह यदि पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई तो भी लोगों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषदों को भी आदेश दिए गए हैं कि सफाई व्यवस्था, फॉगिंग व हेल्थ कैंप लगाया जाए ताकि महामारी से बचाव हो। वहीं उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी पर लोगों ने कब्जे की है जिसे हटवाया जाएगा। सरस्वती का पानी कहां कहां रुका है इस बारे भी सैटेलाइट से अध्ययन करवाया जा रहा है। हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी जीरी लोग लेने की कोशिश, यानी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जिलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाएं, हमारा तो ये कहना है, फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 रुपये। सर, आज जायजा लिया है, आपको क्या लगा वहाँ पे, कितना एरिया खराब हुआ है कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो? कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है, उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब होगी और कितने में दोबारा से रोपाई होगी। लोगों का काफ़ी सामान भी खराब हुआ, मकान भी खराब हुआ, क्या कहेंगे? आज ही मैंने एक उन लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक आधन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें भरे जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी के फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी के दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आकलन हमारी डिप्टी कमिश्नर की टीम है। अभी भी मैंने निर्देश दिए या कुरुक्षेत्र जिले की टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो होगी मरहम कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम करते हैं। अधिकारियों की मीटिंग ली है सर, इसमें कोई खास चीज़ नहीं, वही चीज़ें हैं असेसमेंट के नाते से तो ये कर ही रहे हैं, अभी पूरा असेसमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने इनको निर्देश दिया कि किस किस प्रकार के असेसमेंट करने हैं और खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़ इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, सफाई ठीक से हो जाए, बीमारी ना फैले, उसके नाते से फॉगिंग है, उसके नाते से छोटे छोटे कैंप लगाने की बात है, जो प्रारंभ में ही बीमारी हो जाती है, कहीं स्किन की डिजीज है, कहीं को बुखार है, कहीं खांसी है, कहीं जुकाम है, कहीं पेचिस है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक्टिव होकर के और जब तक ये बरसात का सीज़न है तब तक जरूर एक्टिव रह करके चीज़ों पर काम। तो टांगरी और सरस्वती में पानी आया तो भाई हुई, तो इन बचाव किस तरह, चौड़ी नदी की जा सकती है या गहरी की जा सकती है? आगे चल करके ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं और हमने ये कहा भी है कि सैटेलाइट से हम एक इस समय का इमेज ले रहे हैं कि पानी कहाँ कहाँ रुका है और कहाँ पानी ज़्यादा भरा है, जो पानी का बहाव का क्षेत्र है उसका जो रेवेन्यू में जितना रिकॉर्ड है उतने रास्ते को खुलवाया जाए कि एनक्रोचमेंट को ठीक किया जाए। अभी सरस्वती नदी की मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ लोगों ने एनक्रोचमेंट कर ली और एनक्रोचमेंट करने के बाद जो रास्ता 25-30 फुट का रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वहाँ भी 10-15 फुट बचाया, लोगों ने उसको एक प्रकार से एनक्रोचमेंट किया है। तो सारा विषय ये लॉन्ग टर्म। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।